असलम की वजह मोहम्मद शामराफर जान कुछ हुए कि कुछ ने जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट खोला जो हाई फ्लेम के नाम से, और उनका कहना है कि भाई हम जो बना रहे हैं ना वो कोई और नहीं बना रहा। वैसे तो ये सभी बोलते हैं, बट उनका ये दावा है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ जो पिज़्ज़ा बनता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अलावा कैलिफोर्निया में बनता है, उसके अलावा कहीं में नहीं बनता कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसके अलावा कहीं में नहीं मिलता। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो अगर आपने कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा टेस्ट किया और आपको पसंद है वहाँ का, तो भाई आपको मैं बोलता हूँ यहाँ का भी पसंद आएगा। खैर उसके अलावा मैंने बोला ऐसे उनको कि भाई मतलब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा का रिव्यू करने, तो बोला नहीं पिज़्ज़ा का रिव्यू नहीं, उनका एक सिग्नेचर डिश भी है जो कि तवा चिकन के नाम से है। वो उनका कहना है कि गुलशन दिश से लेकर मलिर तक हमारे अलावा कोई भी नहीं बना रहा। मैंने बोला मतलब ये लोग आ रहे हैं हटो बच्चों फुल ऊपर से। उसने बोला हाँ, तो उसने बोला फिर कब चलते हैं? मैंने बोला कब क्या चलते हैं, आज और अभी इसी टाइम ही चलते हैं। उसने बोला ठीक है तो तुम रेडी हो? मैं आ रहा। मैंने बोला भाई आई एम ऑलवेज रेडी, तुम बस आओ, अगर वो ऊपर से आ रहे हैं तो हम भी नॉट कमिंग स्लो, हम भी थोड़ा ऊपर से आएंगे और थोड़ा स्लो मूव में आएंगे, तो फिर चलते हैं। आगे एहसन भाई ने तो इंतज़ार किया नहीं मेरा, मैं अंदर शॉर्ट्स ले रहा था और एहसन भाई ने आते साथ मतलब कि बोला कि बस जब तक आएगा ठंडा हो जाएगा मैं खा लूँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे आगे पेश हुए जो एहसन भाई ने हमारे लिए थोड़ा कुछ छोड़ दिया, तो लेट्स सी ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। एक बैट में बताना तो भाई मुश्किल है। बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि मैंने तकरीबन गुलशन दिश में तकरीबन सबके पिज़्ज़ा ट्राई किए हैं। किंग फेमस का लास्ट टाइम मैं ये 3-4 दिन पहले ट्राई किया था। पिज़्ज़ा अड्डा का तो मैं बहुत ही इंतजार से ज़्यादा खाता हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी है, सही है, उससे फेस पे पसीना देख के आपको पता चल ही रहा होगा मेरे। और इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है, और अभी हम ट्राई करने लगे। मज़ा आ गया, मुझे लगता है मैं खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वीडियो बनाने से, वीडियो बनाने की जगह। तो अभी आप देख रहे थे जो एक तवे के ऊपर एक छोटे से चिकन के पीस को जो फ्राई किया जा रहा था, वो ये है गुलशन दिश में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है तवा चिकन के नाम से, जो कि दिखने में तो नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा है, और इसके साथ पूरी पराठा है। तो लेट्स सी टेस्ट करते हैं कि कैसा है। जो नींबू का टेस्ट आ रहा ना, और ये मतलब टिक्का लवर्स के लिए ये चीज़ बेहतरीन है। तो अब बात करें ऑनेस्ट रिव्यू की, तो पिज़्ज़ा तो ठीक है, नो डाउट अच्छा था, काफ़ी अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा था क्योंकि मैंने कैलिफोर्निया का ट्राई नहीं किया तो इसलिए मैं कुछ यहाँ कह नहीं सकता। उसके अलावा बात करते हैं कि सिग्नेचर डिश की जो कि तवा चिकन है, क्या मैंने आपको बताया ये ऑनर खुद बना रहा है वहाँ का, तो जाहिर सी बात तो कुछ तो बात होगी इसके अंदर। अब मैं बात करूँ इसकी कंपैरिजन की, तो आप इसका कंपैरिजन टिक्के से या ब्रोस से नहीं लगा सकते। ब्रोस तो ऐसा है कि साइंस के मुताबिक भी कहा जाता है कि ब्रोस खाने का जिस्म में पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है, और आपका पता नहीं पर मेरा है कि ब्रोस खाने का मुझे बहुत ज़्यादा पानी की तलब होती है। और अगर टिक्के की बात की जाए तो टिक्का बहुत अच्छा है, बट ये जो चीज़ आई है ना, मतलब ये बोलते हैं ये नो डाउट अलग ही चीज़ है। अगर आप ब्रोस टिक्के रेगुलर बेसिस पे मतलब हफ्ते में एक आधा दफ़ा ट्राई करते हैं, तो मैं बोलता हूँ इसको जाके भी ट्राई करो।
अब आप सोच रहे हो कि हफ्ते में एक दफ़ा कौन ट्राई करता है, तो भाई हम लोग तो ज़्यादातर खाते ही बाहर गए ना, क्या करें मतलब, हमें तो आदत है वेडिंग्स फोटोग्राफर्स, तो कभी शादियों में अगर शादी ना मिले तो बाहर, तो फिर हमारा तो यही चीज़ होती है खाने पीने की। तो इसलिए बोल लो अगर आप मेरी तरह हो तो लाजमी जाकर ट्राई करना। बाकी देखते हैं, देखते हैं कुछ दुकान हो गए, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव यू लाइफ, लिव यू डी।